ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिस्कस किया कि अल्टरनेटिंग करंट्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ में ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो ई ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट के अंदर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया ओवर अ कंप्लीट साइकिल ओवर अ हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ये भी क्लियर है यहाँ तक, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग करंट को हम एक वायर में पास करें तो उस केस में अगर मैं ईएमएफ अप्लाई करता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी तो उस रेजिस्टर के अंदर वायर की क्या होगी रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जाएगा। फिर सेकेंड केस लेंगे अगर हम रेजिस्टेंस की जगह एक इंडक्टर ले लें सोलेनोइड और उसमें अप्लाई करें ई जी नॉट साइन ओमेगा टी तो उसके अंदर करंट कितना होगा, उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वाई जी उसकी करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी ऐसे बोल देते हैं, इस टॉपिक में हम देखेंगे। ऐसे अगर एक कैपेसिटर लें कैपेसिटर में कुछ अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करें ई नॉट साइन ओमेगा टी और देखेंगे कि कैपेसिटर अपने अंदर से कितना करंट को पास होने देगा। फिर हम लगाएंगे एलसीआर सीरीज में और फिर ईएमएफ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसमें करंट कितना पास होगा। तो यानी कि आज का लेक्चर सिर्फ एक्सपेरिमेंट है कि करंट की वैल्यू कितनी पास होगी या एक रेजिस्टर के अंदर इंडक्टर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर अगर मैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करता हूं तो उसमें करंट कितना जनरेट होता है या कितना पास होता है, ये आज के लेक्चर का काम है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 145 पे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, कि मान लो एक सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है और ये एसी सप्लाई है, एसी की सप्लाई है और एसी कितना सप्लाई किया जा रहा है ई इज इक्वल टू ई नॉट इन टू साइन ऑफ कितना ओमेगा टी, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कितना करंट पास किया जाएगा या कितना करंट ये पास होने देगा। आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, आर से डिवाइड कर दिया और मुझे पता है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर ये 1 होगा तो करंट अपने आप मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम करंट होगा कितना E नॉट डिवाइडेड बाय R, तो यहां पर I की वैल्यू आएगी I नॉट इन टू कितना साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है यहां तक? तो मैंने ये देखा कि अगर मैं E इज E नॉट साइन ओमेगा टी EMF अप्लाई करता हूं तो रेजिस्टर के अंदर करंट कितना जाएगा I इज I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं टाइम एंड ईएमएफ तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, साइन आ रहा है और साइन का कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये ईएमएफ का कर्व है, ईएमएफ की वैल्यू है 0 से लेके टी बाई 2 से लेके टी या 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई, एक ही बात है। और अगर मैं करंट की वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो करंट की वैल्यू छोटी भी हो सकती है ईएमएफ से और बड़ी भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि E क्या होता है I इन टू आर, तो I क्या होता है E डिवाइडेड बाय R। अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली करंट ईएमएफ से छोटा ही आएगा, तो बड़ा भी आ सकता है अगर R ग्रेटर लेस देन 1 है। तो मैं इस ग्राफ में करंट की वैल्यूज को नहीं बताना चाहता और इस ग्राफ में करंट या ईएमएफ मान लो एक ही एक्सिस पे ड्रॉ किया हमने और करंट और ईएमएफ का जो कर्व है उसका जो फेज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, फेज समझते हो एंगल्स, जैसे अगर करंट और ईएमएफ का एंगल जीरो है, अगर ईएमएफ का एंगल जीरो है तो करंट का भी उस इंस्टेंट पर एंगल जीरो होगा, अगर ईएमएफ का एंगल पाई है तो करंट का भी पाई ही होगा। वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट फेज दोनों का हमेशा क्या रहेगा सेम, साफ पता लग रहा है क्योंकि ईएमएफ का फेज कितना है ओमेगा टी, फेज एंगल होता है, ईएमएफ का फेज कितना है ओमेगा टी तो करंट का फेज भी कितना है ओमेगा टी।
और दोनों की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। तो फेज की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। कोई डाउट इसमें? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ओनली रेजिस्टर के केस में ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब एंगल दोनों के अंदर एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। ठीक, कोई डाउट? इसमें इसके अंदर एक और डायग्राम बन सकता है, जैसे अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, तो ईएमएफ का एंगल कितना है इसमें, ओमेगा टी। ईएमएफ का एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो करंट का एंगल भी, करंट का वेक्टर छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, उसका एंगल भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, मैंने बताया था फेजर्स। तो एक वेक्टर या वेक्टर डायग्राम बोलते हैं, तो वेक्टर डायग्राम क्लियर है कि अगर ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है, तो करंट का एंगल भी उसी इंस्टेंट पर क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। वैसे फेजर का ये मतलब बताया था कि जो ईएमएफ है, फेजर या वेक्टर तब बनाते हैं जब यू कंपेयर योर पीरियोडिक मोशन विद अ यूनिफॉर्म सर्कल। सर्कल के अंदर ईएमएफ का ये सर्कल बनेगा और करंट का ये सर्कल बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ। फिर कंपेयरिंग आर मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बताया था कि एक वेक्टर गोल घुमाना है सर्कल की फॉर्म में, तो ईएमएफ और करंट का एंगल हर इंस्टेंट पर क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। को डाउट इसमें? ठीक, तो टॉपिक क्लोज करें। तो इसमें ये प्रूव होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ और करंट की इक्वेशंस क्या होंगी इसमें। कौन से केस में, जब सर्किट में क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर। मैं अब चेंज कर रहा हूं अपने टॉपिक को, अब मैं दूसरा केस करूंगा। जो केस अब मैं करने जा रहा हूं, ये वाला टॉपिक, इसका अगला टॉपिक, इसका अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, जब तक थ्योरी खत्म नहीं होती। गारंटेड है कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है, 3 या 5 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और स्कूल के अंदर भी आएगा। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा एसी के अंदर से। ईएमआई तो ईजी था, बोला था सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल आती है, इसके अंदर से यही आता है जो आप करने जा रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली या ओनली इंडक्टेंस। ठीक, तो लेट अस सपोज देयर इज इंडक्टर और इट इज कनेक्टेड बाय एसी सप्लाई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि इंडक्टर किसी मटीरियल का बना होता है और वो जो मटीरियल है उसकी कोई रेजिस्टेंस R भी तो होगी, R, पर मैंने R को क्या लिया हुआ है, जीरो। मैं ओनली इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं प्योर इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल देता हूँ। प्योर इंडक्टर वो इंडक्टर होता है जिसमें रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकली इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट करता ही करता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। पर मैं स्टडी के लिए कैपिटल आर को क्या लेकर चल रहा हूं, जीरो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें?
हाँ जी, सो ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टेंस कितने है एल ए. अब इसमें जब करंट चेंज होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगी इसमें, और एक लूप के अंदर टोटल ईएमएफ का सम किरचॉफ लॉ से क्या होता है, जीरो. फॉर एग्जांपल ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने ईएमएफ अप्लाई की, और माइनस एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इनका सम इक्वल टू क्या गया, जीरो. तो ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ, और माइनस एल डी आई बाई डी टी का सम इक्वल टू जीरो, या फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या फिर डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कितना डी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें कितना करंट जा रहा है इंडक्टर में, तो जिसके लिए मैं दोनों साइड्स की क्या करूँगा, इंटीग्रेशन. तो आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई एल, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ कितना ओमेगा टी. ठीक, तो यहाँ से आई विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल, और यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन है, और इनटू कितना कॉस ऑफ ओमेगा टी. मुझे पता है कि जो कॉस या साइन का कोफिशेंट होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इनटू कितना कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ टाइम का और ईएमएफ का, तो ईएमएफ का कर्व ऐसे है, ये ईएमएफ है, तो ईएमएफ का कर्व कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है यहाँ तक, तो ये ईएमएफ की वैल्यू है. क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू हमने कितनी लिखी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई मैंने कितना अप्लाई किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी. और करंट की करंट का फॉर्मूला क्या आया, इसमें करंट कितना जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी. मैथ्स में कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, माइनस कॉस का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा. तो चेक कर सकते हो बुकलेट में, ओनली इंडक्टर के केस में ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, करंट का नीचे से स्टार्ट हो रहा है. ये पैटर्न देख के आप बता नहीं पाओगे करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ईएमएफ कहां से स्टार्ट हो रही है. ये पैटर्न देख के आप, ये कोई भी टीचर जो चेक करेगा तो ये स्टार्ट, ये देखेगा कि स्टार्टिंग कहां से गई, तो पता लग जाएगा कि माइनस कॉस है तो ठीक की है. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें मैंने I नॉट को क्या पुट किया, साइड पे लिख लेते हैं, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय कितना L ओमेगा. और एक काम करते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू माइनस I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा T, और क्योंकि मेरी EMF किसके इक्वल थी, साइन ऑफ ओमेगा T, तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा एक साइन में एक कॉस में. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में. कैसे? पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि मैथ्स में साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी. तो माइनस साइन इसके अंदर जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय टू. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. कोई डाउट इसमें? ठीक, तो एक चीज ध्यान से देखो, जो ईएमएफ की इक्वेशन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ की इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट की इक्वेशन आएगी ओनली इंडक्टर में वो साइन ओमेगा टी नहीं आएगी, वो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी कि करंट उतना नहीं होगा जितना रेजिस्टेंस में आया था, उसे चेंज होके आएगा. और कितना चेंज होके आएगा, इसका एंगल किसी भी इंस्टेंट में जब ईएमएफ का ओमेगा टी है उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टी से पाई बाय टू पीछे आएगी. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर ईएमएफ आगे है ओमेगा टी, और करंट ओमेगा टी से पाई बाय टू पीछे है. तो ये लिख सकते हैं ईएमएफ लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, या फिर करंट लैग्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ कितना पाई बाय टू. एक ही बात है, करंट या तो बोलो कि पीछे करंट का एंगल पीछे चल रहा है, या बोलो ईएमएफ का एंगल आगे चल रहा है, कितना बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू. तो आपके पेपर के अंदर यही आता है, प्रूव करो इन एन इंडक्टर
EMF leads current by an angle of pi by 2 या फिर current lags EMF by an angle of pi by 2. ये prove करने को आएगा, important expression है. और इसका अगर phase vector draw diagram show किया जाए तो मान लो ये vector EMF का vector है which is making an angle of कितना omega t. EMF ने कितना angle बनाया omega t. तो current ने कितना angle बनाया omega t minus pi by 2. तो जो current का vector बनेगा current का वो EMF से पीछे बनेगा by an angle of कितना pi by 2. क्या point clear है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये EMF है जिसने angle कितना बनाया omega t. तो करंट ने कितना बनाया ओमेगा टी से पाई बाय टू पीछे, कितना ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये डायग्राम समझ में आया कैसे बनेगा? तो ये सारा आपको प्रूफ करना है. एक और चीज, इसके अंदर हमने ये बॉक्स में क्या रखा था, आई नॉट इज ई नॉट बाई एल ओमेगा. अभी इंपॉर्टेंट है, यहां से ई नॉट इज आई नॉट इन टू कितना एल ओमेगा. ई एम एफ इज आई नॉट इन टू एल ओमेगा. कोई डाउट इसमें? मीन्स ई एम एफ इज करंट इन टू क्या? ओम लॉ से ई एम एफ करंट इन टू क्या होता है? रेजिस्टेंस. तो इस केस में ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई? एल ओमेगा. पर मैंने शुरू में कह दिया था कि आर को निगलेक्ट करो, जीरो कर लो, क्योंकि वो जो आर था वो मटीरियल की वजह से था, कोलिजन इलेक्ट्रिसिटी वाला आर था, ये वो आर नहीं है. ये रेजिस्टेंस होने का रीजन क्या है? इस रेजिस्टेंस को होने का रीजन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ. क्योंकि जब इंडक्टर में करंट ईएमएफ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इंडक्टर नहीं चाहेगा कि इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसको वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करके अपोज करेगा. वो अपोजिशन का मतलब क्या बोलते हैं, कितना अपोज किया, आपकी ईएमएफ जितनी भी थी उसको वो कम करेगा, और अगर कम होती हुई ईएमएफ उसको ज्यादा करेगा. इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर करना. वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है? एल ओमेगा. अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ना होती तो ये रेजिस्टेंस भी ना आती. तो ये रेजिस्टेंस होने का रीजन ये नहीं है कि मटेरियल कॉपर का बना है एल्यूमिनियम का बना है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें होने का रीजन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है. ठीक. और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो वर्ड रेजिस्टेंस से, इसका नाम चेंज करेंगे. सबसे पहले इसको हम इंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस. और सिंबल चेंज करेंगे, सिंबल क्या होगा इसका? एक्स ऑफ एल होगा. इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल क्या होगा? एक्स ऑफ एल होगा, विच इज इक्वल टू एल टाइम्स ओमेगा. एल और ओमेगा के यूनिट्स अगर आप पुट करो इसमें, इसके यूनिट्स पता है किसके साथ मैच करेंगे? ओम्स के साथ. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रेजिस्टेंस. पर बोलना नहीं रेजिस्टेंस, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर वाली रेजिस्टेंस है या इंड्यूस्ड ईएमएफ की रेजिस्टेंस है. तो नाम और सिंबल दोनों चेंज हो गए, लेकिन मतलब इसका रेजिस्टेंस है. और एल के यूनिट्स अगर निकालने हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी. इसके यूनिट्स कैसे निकलेंगे? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज का एम्पियर इन टू टाइम, करंट का एम्पियर टाइम का टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? एल आ जाएगा. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस से मैच करता है. तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो हमने अभी तक क्या सीखा? अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हो आर, हम ई कितना अप्लाई करते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी. और रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना पास होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी. फिर हमने सेकेंड टॉपिक क्या किया? इंडक्टर. इंडक्टर में ये सीखा कि अगर ईएमएफ अप्लाई करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट कितना पास होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. और इंडक्टर रेजिस्टेंस कितनी ऑफर करता है? एक्सएल, जिसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, जिसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एल टाइम्स ओमेगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? करंट टॉपिक क्लोज. ये आएगा, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक, कोई क्वेश्चन और बता दूं?
Next, AC circuit containing only capacitor. ये एक कैपेसिटर, एसी की सप्लाई और कितनी ईएमएफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी.
देखो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली में ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी की जगह क्या पुट करेंगे ई, और चार्ज की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सी ई नॉट इन टू साइन ऑफ कितना ओमेगा टी, चार्ज आ गया। करंट की वैल्यू आई क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू की जगह सी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू सी ई नॉट डी बाई डी टी ऑफ कितना साइन ऑफ ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू सी ई नॉट, साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कॉस ओमेगा टी इन टू डी बाई डी टी ऑफ कितना ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया डी टी बाई डी टी वन, तो आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई वन बाई सी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ओमेगा नीचे चला गया, ये जो कोफिशेंट होता है ये आई नॉट होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय वन बाय सी ओमेगा। ठीक है यहां तक, तो ये साइड पे लिख लेते हैं कि मैंने इस पूरी टर्म को क्या पुट किया, आई नॉट पुट किया, फिर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय वन बाय सी ओमेगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? अब इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ईएमएफ और टाइम का क्या कर्व बनेगा, वही सेम ईएमएफ का तो साइन का कर्व बनेगा, बिकॉज ई का फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट इनटू साइन ऑफ कितना ओमेगा टी, पर इसमें करंट क्या आ गया कॉस ओमेगा, माइनस कॉस नहीं कॉस, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ऊपर से, तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो याद रखना करंट का यहां से रहेगा। तो ये कर्व समझ में आ रहा है, करंट और ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे पेपर में आएगा तो सारा लिख के आना है, जितना भी ये ग्राफ सब कुछ जितना मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि जो ईएमएफ है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी में चल रहा है, साइन में चल रहा है, और करंट किस में चल रहा है कॉस में, तो एक काम करते हैं करंट को कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें साइन ऑफ कितना पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी, कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है, मैंने प्लस ले लिया एक, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, आपके सामने है ये। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ईएमएफ है उसका एंगल अगर ओमेगा टी है तो करंट का एंगल ओमेगा टी से आगे है कितना पाई बाय टू, इसका मतलब करंट लीड्स, करंट आगे है वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ कितना पाई बाय टू, या फिर वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात है लैग्स करंट बाय एन एंगल ऑफ कितना पाई बाय टू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें जो ईएमएफ है वो पीछे है और करंट आगे है, तो या तो बोलो करंट आगे है ईएमएफ से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, या फिर ईएमएफ पीछे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये प्रूव करने को आएगा, प्रूव दैट इन अ कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज, या फिर ईएमएफ लैग्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक। और ये जो मैंने लिखा था इसमें ई नॉट कैन बी रिटर्न एज आई नॉट इन टू वन बाय सी ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इन टू वन बाई सी ओमेगा, यानी कि ई एम एफ इज करंट इन टू बोलो क्या आएगा रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली ओम लॉ से ई एम एफ इज करंट इन टू रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक कैपेसिटर की ऑफर की हुई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या होगी वन बाय सी ओमेगा, और क्योंकि वर्ड रेजिस्टेंस फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये कौन सी रेजिस्टेंस है इसका नाम चेंज करो पहले, इसका नाम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, इसका सिंबल चेंज करो एक्स सी वन बाय सी ओमेगा। क्या पॉइंट क्लियर है? वन बाय सी ओमेगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक?
ठीक, तो आपके पास जो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी कैपेसिटर की, वो क्या होगी, 1/C ओमेगा। ये रेजिस्टेंस क्यों आ रही है, कैपिटल आर की वजह से तो आ नहीं रही, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो तो प्योर रेजिस्टर है, वो तो मटेरियल की वजह से है। एक्स एल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से था, किया था हमने। एक्स सी किसकी वजह से है, इसमें तो आर भी नहीं लेने को कहा, इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगी, तो ये किस वजह से है, कैपेसिटेंस कौन सी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कौन सी चार्ज की रेजिस्टेंस, कैसे एक्सप्लेन हो गया क्या, दो प्लेट्स हैं न्यूट्रल हैं, आपने एसी की सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे आ गया, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया उसी टाइम, और चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, चार्ज कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, फिर आपने नेगेटिव साइकिल शुरू कर दिया, उसी चार्ज को उठा के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले आए, फिर आप कहते हो नहीं फर्स्ट प्लेट से फिर दूसरी प्लेट पे जा, फिर दूसरी प्लेट से फिर पहली प्लेट पे आ, तो क्योंकि साइकिल चेंज हो रहे हैं, साइकिल चेंज होने से पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कभी चार्ज इधर से इधर आ रहा है कभी इधर से इधर आ रहा है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के अगेंस्ट है, क्योंकि कोई भी बॉडी को अगर आप कहोगे कि तू इधर से उठ के उधर जा, उधर से उठ के इधर जा, इधर से उधर, आप ऐसे बोलते रहोगे तो ऑब्वियसली वो रेजिस्ट करेगा ही, तो किसी भी चीज़ को अगर आप जो है उसकी नेचुरल पोजिशन से चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या ऑफर करेगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और वो साइकिल में तो पक्का ही करेगा एसी में, क्योंकि ओमेगा होता है एसी में, ओमेगा का मतलब करंट अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस ऑफर हो जाती है, यूनिट्स इसके ओम्स ही रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, ओनली रेजिस्टर के अंदर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। फिर हमने किया एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये प्रूव किया। और इंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या था, एल ओमेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, कैपेसिटर में इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करंट आगे चलता है, इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल क्या है, एक्स सी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/C ओमेगा। कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग LCR, बहुत फेमस सर्किट है, आपके स्कूल में हमेशा आता है, या इंडक्टर आएगा या कैपेसिटर आएगा या LCR आएगा। LCR का मतलब कि इसमें रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है एंड कैपेसिटर भी है, तो ये एसी की सप्लाई है, तीनों चीज़ें इसमें, ये आर, ये एल और ये सी। ठीक, तो ये एक LCR सर्किट है। तो अब हम कॉम्बिनेशन में स्टडी करेंगे कि कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आएगा। इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहली चीज कि करंट अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये आई करंट है, इसकी जो ईएमएफ या वोल्टेज है VR, हमने डिस्कस किया कि ओनली रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड वोल्टेज आ रहे हैं सेम फेज, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने जरूरी है, E और I सेम फेस में। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर सपोज इंडक्टर के अंदर ये करंट है तो इंडक्टर की जो वोल्टेज या ईएमएफ होती है वो 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है किससे, करंट से। अभी डिस्कस किया था कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, और कैपेसिटर के अंदर क्या किया कि अगर ये करंट है तो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो पीछे चलेगी करंट से बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू। ये तीन रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये वेक्टर डायग्राम तीनों का इकट्ठा ड्रॉ कर दिया जो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन में है, इसमें वोल्टेज आगे है करंट से बाय एंगल ऑफ 90, और इसके अंदर पीछे है वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इन तीनों वेक्टर डायग्राम को
इकट्ठे करूं, कंबाइन करूं, तो ये देखो क्या बनेगा, ये आई, ये सपोज वी ऑफ आर, ये कितना वी ऑफ एल, ये कितना वी ऑफ सी. तो इसमें आई और वी आर सेम डायरेक्शन में, वी एल करंट से आगे है बाय एंगल ऑफ 90, वी सी पीछे है बाय एंगल ऑफ 90. जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो लोग वेक्टर से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं. नॉर्मली क्या होता है, हमें मालूम है कि मैथमेटिकली इसके अंदर करंट का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसके अंदर माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, प्रूफ किया था, इसके अंदर आई नॉट कॉस ओमेगा टी है. तो या तो हम अब टोटल करंट अगर हम कैलकुलेट करें तो या तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, सी एंड डी फॉर्मूला जैसे मैथ्स में लगाते हो, लेकिन वो बहुत लंबा तरीका है. हम उसको ईजी करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर से सॉल्व करते हैं. तो वेक्टर से, और वैसे मैथमेटिकल जब आप साइन एंड कॉस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर दोनों में एग्जैक्टली क्या आता है, सेम. ये ईजी तरीका है. तो आपने इसको वेक्टर से ही सॉल्व करना है. कैसे, आपने ये मानना है दो केस पॉसिबल हैं, या तो वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा, या फिर वी सी ग्रेटर देन वी एल होगा, या तो वी एल ग्रेटर देन वी सी या वी सी ग्रेटर देन वी एल. तो मान लो मैं ये मानता हूं वी एल ग्रेटर देन वी सी है, दूसरा भी केस करके दिखा दूंगा. तो ये वेक्टर ऊपर ये नीचे, तो इनका नेट वेक्टर क्या आएगा, वी एल माइनस वी सी, बड़े में से छोटा वेक्टर क्या कर दिया माइनस, तो क्या आ गया वी एल माइनस वी सी. वी एल माइनस वी सी एक वेक्टर है और ये वी आर है. तो ऐसे केस में जो नेट वोल्टेज आएगी, जो नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ आएगी, वो किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. तो एलसीआर सर्किट में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो नेट या टोटल वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. इसका मतलब समझते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं ये बोलता कि इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, सीरीज में वी ऐड हो जाता है. इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का वो रूल नहीं लगाओगे, नेट वोल्टेज क्या बोलोगे, 10 का स्क्वायर, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, और 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और नेट आंसर क्या आएगा, 10 वोल्ट ओनली. तो ये रूल इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ऐड हो गया, आपने नेट वोल्टेज का यही फॉर्मूला यूज करना है. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. अब इसके अंदर नेट वोल्टेज की वैल्यू आ गई, देखो. तो इस केस में नेट वोल्टेज की ये वैल्यू आ गई,
ठीक, और जो नेट वोल्टेज है वो करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ कितना, फाइ। नेट वी की वैल्यू आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाइ। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब इसमें नेट वोल्टेज में हम ऐसे करें, नेट वोल्टेज इज वी, हम वी आर की जगह पुट कर लेते हैं आई इंटू आर का होल स्क्वायर, वी एल की जगह आई इंटू एक्स एल, वी सी की जगह आई इंटू एक्स सी। ओम लो, आई आई का स्क्वायर बाहर आ गया और आई इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा, वी डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एलसीआर सर्किट अपॉन टोटल करंट। टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट को क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का नाम चेंज करो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी रेजिस्टेंस है, नाम तो चेंज करना ही है तो, और सिंबल भी चेंज करो। इसका सिंबल इज जेड और इसका नाम क्या होता है, इंपीडेंस होती है, यह भी रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस। तो इंपीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं एलसीआर की, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, कैपिटल आर रेजिस्टर। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज वन बाय सी ओमेगा, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर को इंपीडेंस, सिंबल क्या, जेड और फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? ठीक, और कोई ये पूछे कि वोल्टेज कितनी आ गया है करंट से, तो वोल्टेज कितनी आगे है तो उसके लिए लगाओ टेन फाइ, ये वी एल माइनस वी सी, तो ये भी वी एल माइनस वी सी, ये कितने वी आर, तो इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, टेन फाइ वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई कितना वी आर दिस बाय दिस। और ऐसा भी कर सकते हैं, वी एल को पुट कर सकते हैं आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, आई 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 कैंसल, टेन फाइ इज एक्स एल एक्स सी डिवाइडेड बाई कितना आर। कोई डाउट इसमें? तो टेन फाइ की ये भी वैल्यू आ सकती है। ठीक, लेकिन ये मैंने खुद एज्यूम किया है कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है। अगर मैं ये उल्टा एज्यूम कर लेता कि वी सी ग्रेटर देन वी एल है तो मेरा डायग्राम ऊपर ना बनता, मेरा नेट वेक्टर कहाँ आता, नीचे आता, कितना वी सी माइनस वी एल, वी सी माइनस वी एल, और इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आता मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना फाइ, और नेट वोल्टेज क्या आती, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल, उल्टा हो जाता, मतलब इसमें आया इसका और इसका रिजल्टेंट, इसमें आएगा इसका और इसका रिजल्टेंट। आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम है, फर्क क्या पड़ता है, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर ले लो या वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, आंसर रिमेन सेम। हाँ, एंगल में फर्क पड़ेगा, इस एंगल भी मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा, पर इसमें ये बोलेंगे नेगेटिव का मतलब है कि इसमें पिछले केस में क्या था, वोल्टेज आगे है करंट से, इसमें क्या बोलेंगे, करंट आगे है वोल्टेज से या वोल्टेज पीछे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाइ। बस यही फर्क है कि वोल्टेज आ गया या करंट आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो अगर मान लो कोई केस बना के दे देता है आपको कि उल्टा करो तो उल्टा कर देना, मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? इसके अंदर ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई और फाई की वैल्यू भी आ गई। अगर सपोज करो एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाए या फिर वी एल वी सी के इक्वल हो जाए, तो वी एल वी सी के इक्वल हो जाए या एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाए, दोनों केस में टेन फाई क्या आएगा, जीरो। तो टेन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और फाई किसके किसके बीच में एंगल होता है, ई एम एफ एंड करंट। और फाई जीरो कब होता है, जब सर्किट क्या होता है, ओनली रेजिस्टेंस। ओनली रेजिस्टेंस के केस में एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ की इक्वेशन है ई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन भी साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में से ओमेगा टी आंसर है जीरो। तो फाई क्या आएगा, जीरो, फेज डिफरेंस नहीं होता।
जबकि इंडक्टर कैपेसिटर में आपको पता है कि फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू का फर्क होता है ईएमएफ और करंट में, इसमें नहीं होता, इसमें जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे सर्किट के अंदर हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली रेजिस्टेंस सर्किट, और ओनली रेजिस्टेंस को बोला जाता है नॉन इंडक्टिव। अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में आ जाए कंसिडर नॉन इंडक्टिव सर्किट, तो नॉन इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर यहां तक? बुकलेट में लिखा हुआ केस बनाया होगा, ठीक। उसी तरीके से सेकेंड केस में अगर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो जाता है, अगर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो टेन फाइव क्या आएगा, पॉजिटिव। टेन ऑफ फाइव की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। फाइव किसके किसके बीच में एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के, तो फाइव पॉजिटिव का मतलब है देखो फाइव नेगेटिव यानी कि वोल्टेज नीचे बनेगी, फाइव पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर बनेगी। और अगर वोल्टेज ऊपर बनेगी वो कब बनेगी, जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से ज्यादा है तभी बनेगी, ऐसे सर्किट को बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस का कंपोनेंट ज्यादा है तो फाइव ऊपर बना। लेकिन अगर उल्टा कर दें, दैट इज एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, तो टेन फाइव की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो फाइव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये वोल्टेज कहां बनेगी, नीचे। ऐसा तभी बनेगा व्हेन वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। समझ में आ रहा है यहां तक, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। और इसके अंदर अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, और मैं इस फॉर्मूले को एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूं, मान लो ये एंगल फाइ, ये रेजिस्टेंस आर, ये एक्स एल माइनस कितना एक्स सी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जेड, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक। तो यानी कि एक ट्राइंगल में अगर मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूं, इस रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करूं, तो थर्ड साइड पाइथागोरस से या ट्राइंगल लॉ से हम क्या कर सकते हैं, क्या देगी, इंपेडेंस। और चेक कर लो टेन फाइव किसके इक्वल आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, है ना। तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं इंपेडेंस ट्राइंगल, द स्पेशल ट्राइंगल इज नोन एज इंपेडेंस ट्राइंगल। ठीक, बना होगा इसमें इंपेडेंस ट्राइंगल। तो इंपेडेंस ट्राइंगल टोटल इंपेडेंस की वैल्यू देगा डायग्राम को देखते हुए, बिना मैथ्स के ट्राइंगल से ही सभी रेजिस्टेंसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और अगर मान लो मेरा क्वेश्चन आता है एलसीआर की बजाय सिर्फ एलआर सर्किट, सी हटा दो, इसमें सी हटा दो, इस डायग्राम में वीसी हटा दो, इस डायग्राम में क्या आ जाएगा, सिर्फ वीएल, वीएल और वीआर में इसके अंदर से वीसी हट जाएगा, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वीआर, वीआर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और सभी में वीसी 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 एक्ससी को क्या कर दो, जीरो। और अगर क्वेश्चन आता है आरसी सर्किट, तो उसमें वीएल और एक्सएल को क्या कर दो, सभी में जीरो, एल वाले सारे कंपोनेंट उड़ा दो। तो अगला जो टॉपिक आप देख सकते हो वो एलआर सर्किट और आरसी सर्किट के ऊपर है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर जो चीज नहीं चाहिए उसको जीरो कर दो, बाकी डायग्राम और मैथमेटिकल पोर्शन विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है यहां तक, जो पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर कौन सा है, ये 150 के ऊपर गिवन है, 150 और 151 पे, 150 पे एंड में गिवन है एसी सर्किट कंटेनिंग आरएल सर्किट और ऐसी आरसी सर्किट, डायग्राम पता लग ही रहा आपको कैसे बना। ठीक। और जहां आपने इतने नाम याद किए, दो और याद कर लो, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। ठीक। और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में एक्स एल भी आ सकता है, एक्स सी भी आ सकता है, इज नोन एज ससेप्टेंस। ये इतनी यूज नहीं होती, ये यूज होता है एडमिटेंस, ये कभी यूज नहीं होता। तो फिर अभी तक हमने क्या किया, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस में ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी रेजिस्टेंस का सिंबल है आर। फिर सेकेंड टॉपिक कौन सा किया, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर,
फॉर्मूला ई का क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई का क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और रेजिस्टेंस को क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल एक्स एल, फॉर्मूला एल ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक किया एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल एक्स सी, फॉर्मूला वन बाय सी ओमेगा। फिर हमने किया एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के अंदर ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये पता लग रहा है कि वोल्टेज आगे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई, और ये अजम्पशन के साथ कि वीएल ग्रेटर देन वीसी। और इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, फॉर्मूला इंपीडेंस का जेड, ये फॉर्मूला नेट वोल्टेज का, ये फॉर्मूला टेन फाई का, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, और ये इंपीडेंस ट्राइंगल, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज एडमिटेंस। ये मेन मेन चीजें हमने इस टॉपिक में की। क्या टॉपिक क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक है एवरेज पावर। देखो एवरेज पावर के अंदर जो एक एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, ईएमएफ भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, और ईएमएफ और करंट क्योंकि टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो पावर की वैल्यू क्या होती है, ई इंटू आई। हर इंस्टेंट पर E चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पर I चेंज हो रहा है, और पावर इज E इंटू आई, और E इंटू आई का प्रोडक्ट भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे हर इंस्टेंट पर हमने करंट को चेंज किया था तो हमने एवरेज करंट निकाला था ओवर अ कंप्लीट साइकिल, हर इंस्टेंट पर EMF चेंज हो रही है, एवरेज EMF निकाली थी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। मैं ये चाहता हूँ इस बार आप क्या निकालो, एवरेज पावर, उनको मल्टीप्लाई कर करके टोटल
जो है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम करो या जो भी है पूरे साइकिल के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मेरा जो है नेक्स्ट टॉपिक है. अब एवरेज पावर निकाल तो देंगे पर करंट पास किस में करें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है पूछना वो ये बनता है कि करंट पास किस में करें. मैंने बोला ठीक आप आर में पास करो, रजिस्टर में पास करो. आपने कहा ठीक रजिस्टर्स में पास करके ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम पावर निकाल देंगे. लेकिन मैंने फिर अगली बार कहा नहीं मुझे रजिस्टर में नहीं, मेरे को इंडक्टर में एवरेज पावर करके दिखाओ. अब इंडक्टर के अंदर ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई, फॉर्मूला चेंज हो गया ई और आई का, जिस वजह से एवरेज पावर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे कैपेसिटर में एवरेज पावर कैलकुलेट करके बताओ. फिर मैंने कहा नहीं एलसीआर में एवरेज पावर कैलकुलेट करके बताओ. ये चार टॉपिक हैं जो हमारे पेंडिंग हैं. तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? एवरेज पावर इन ओनली रेजिस्टेंस. ओनली रेजिस्टेंस को दूसरा नाम क्या दिया जाएगा? नॉन इंडक्टिव सर्किट. नॉन इंडक्टिव सर्किट. अच्छा ये बताओ एवरेज पावर वैसे होगी क्या? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ये पेज नंबर कौन सा है? 159. उसमें दिया हुआ है सारा. तो इसमें टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन हम निकाल लेते हैं. कब तक? टोटल टाइम में यू हैव टू टेक अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के अंदर. ठीक, तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम में एवरेज पावर आएगी. इसको स्टार्ट यहां से करना है. ई की वैल्यू ओनली रजिस्टर में क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी. आई की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी. क्योंकि करंट और ई दोनों हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर. लेकिन ये इंस्टेंटेनियस पावर है, स्मॉल वर्क डन स्मॉल टाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? ई इंटू आई. तो ई इंटू आई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस पावर. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू आएगी ई इंटू आई इंटू डी टी, या डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ कितना? ओमेगा टी इंटू कितना? डी टी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए दोनों साइड्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेट जीरो से लेके डब्ल्यू, और कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो से लेके कैपिटल टी. इंटीग्रेशन मैंने बुकलेट में की हुई है, आपको करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा लिखो, कोई स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है. इसकी इंटीग्रेशन लास्ट टाइम बताई थी क्या होती है? टी बाई टू. सीधा लिखो टी बाई टू. मुझे लगता था मैं ही शॉर्टकट मारता हूँ टी बाई टू का, और मैंने इतने सालों से एनसीईआरटी की बुक का ये टॉपिक देखा ही नहीं कभी. मैं खुद ही सॉल्व करता आ गया इंटीग्रेशन से. मैंने पहली बार देखा इस साल कि एनसीईआरटी के अंदर वो भी शॉर्टकट ही मारता है. साइंस का ओमेगा टी को सीधा टी बाई टू लिखता है. इतने इतने एक्सप्रेशन दे रखे हैं छोटे छोटे. तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ठीक है टॉपिक इंटीग्रेशन से हो जाता था, तो मैंने कभी देखा नहीं. तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम देखा. मैंने बुकलेट में स्कैन करके भी डाला, इस बार उसमें आपको दिखाऊंगा वो कैसे करता है. वो ऐसे ही करता है. तो मतलब इतनी इंटीग्रेशन मैंने बुकलेट में की हुई है, अगली बार से हटा दूंगा वैसे मैं, तो आप इसमें अपने हाथों से हटा सकते हो. तो यहाँ इस स्टेप के बाद सीधा टी बाई टू. तो यहाँ पर टोटल वर्क डन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कितना? टी बाई टू. टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज पावर. तो डब्ल्यू बाई टी को इकट्ठा करो तो क्या आएगा? ई नॉट आई नॉट बाई टू. तो एवरेज पावर की वैल्यू आएगी ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू, या फिर एवरेज पावर की वैल्यू आएगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस. लास्ट टाइम किया था ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू क्या होता है? ई आर एम एस एंड आई आर एम एस. तो एवरेज पावर इन एन नॉन इंडक्टिव सर्किट या ओनली रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गई. वो इंस्टेंटेनियस थी, स्मॉल ई इंटू आई, क्योंकि हर इंस्टेंट पर ई और आई चेंज हो रहा है ना. टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ई और आई डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इंस्टेंट की पावर है. तो स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल वर्क डन स्मॉल टाइम. और टोटल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंस्टेंट पर ई और आई दोनों चेंज हो रहे हैं. ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?
देखो नेक्स्ट है एवरेज पावर इन इंडक्टर या प्योर इंडक्टर. स्टार्टिंग कहां से करेंगे अगेन सेम डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है ई इंटू आई. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना ई इंटू आई इंटू कितना डी टी. ई की वैल्यू क्या होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो बोलो इंडक्टर में करंट क्या होता है आई नॉट इंटू साइन ऑफ कितना ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू. ये हमने प्रूव किया था ठीक. या फिर आई इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी. उल्टा कर लो ऐसे माइनस साइन बाहर आएगा तो उल्टा हो जाएगा. और मैथ्स में साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी इज कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई इज माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक. तो मुझे पता है कि मैं यहां पर पुट करूंगा इसे कितना डी डब्ल्यू क्योंकि ई इंटू आई इंटू डी टी या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू करंट की जगह क्या पुट करेंगे माइनस आई नॉट इंटू कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी इंटू कितना डी टी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी. ठीक. सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई. कोई डाउट इसमें. और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको एक काम करते हैं टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टू से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये क्या आएगा आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी कुछ ऐसे. तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं इसमें ई नॉट आई नॉट. इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे साइन ऑफ टू ओमेगा टी डी टी. मैथ्स का फॉर्मूला है क्योंकि टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन टू ओमेगा टी. टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जीरो से लेके कैपिटल टी तक करने की जरूरत ही नहीं है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चाहे यहां साइन हो चाहे यहां कॉस हो. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं बोल रहा साइन हो या कॉस हो और जिसकी इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी तक सीधा सीधा आंसर क्या आता है जीरो. टोटल वर्क डन जीरो. तो एवरेज पावर की वैल्यू भी इसमें क्या आती है जीरो. तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. बुकलेट में किया हुआ है तो सारा अच्छा लिख लो फिर. नेक्स्ट क्या है एवरेज पावर इन कैपेसिटर. सेम स्टेप बस फर्क कैपेसिटर में क्या हो जाता है प्लस होगा. तो ऑब्वियसली यहां पर प्लस नहीं आएगा ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस. ये तो अब ऐसे रहेगा ना साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी. यहां पर भी क्या आएगा प्लस आंसर इज यू खत्म. एवरेज पावर इन कैपेसिटर इज ऑल्सो जीरो. लास्ट
Last expression, average power in LCR. So, average power in LCR circuit. LCR में E is E naught into sine of कितना? Omega T. जब हमने LCR बनाया था, अभी डिस्कस किया था, तो ये VR है, ये VL है, ये VC है, ये VL minus VC है, net vector इस तरफ आएगा, making an angle of phi, phi. तो ऐसे केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी वोल्टेज आगे है और करंट पीछे, ये किया था, वोल्टेज आगे और करंट पीछे. इसीलिए आप चेक कर सकते हो करंट की इक्वेशन क्या बनाई गई, साइन ओमेगा टी माइनस फाइ, क्योंकि करंट कितना पीछे है, फाइ, या वोल्टेज कितनी आगे है, फाइ. ये इक्वेशन क्लियर है एलसीआर की? ठीक, स्टार्ट वहीं से करना है. डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू आई. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू कितना, डी टी. ई और आई की वैल्यू पुट कर ली तो मेरे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी. सेम, ठीक, मैथ्स का फॉर्मूला है E नॉट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे ही साइन ऑफ A माइनस B, बुकलेट में फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, साइन ए कॉस B माइनस कॉस ए साइन B. तो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाइ माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइ इंटू कितना, डी टी. इसको ओपन कर लिया. ठीक, नेक्स्ट साइन ओमेगा टी को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइ माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइ इंटू कितना, डी टी. ठीक, यहां तक इसके इंटीग्रेशन करते हैं, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी जीरो से टी तक माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई डी टी जीरो से लेके टी तक. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट इन टू आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइंस कॉन्स्टेंट कॉस फाइ इज अ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो तो क्या बना, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी जीरो से कैपिटल टी तक माइनस. इस स्टेप को ध्यान से देख लो, साइन फाइ कॉन्स्टेंट है, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू ओमेगा टी. मैथ्स का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ टू थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ फाइ कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, साइन ऑफ टू ओमेगा टी इंटू कितना, डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल टी तक. टू बाहर आ गया, साइन फाइ बाहर आ गया, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ टू ओमेगा टी. ठीक, अब मैथ्स का रूल बताया मैंने, साइन है कोई भी एंगल हो जीरो से टी, आंसर क्या आएगा, ये तो गया, और इसका आंसर क्या आएगा, टी बाय टू. तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी ई नॉट आई नॉट कॉस फाइ इंटू टी बाय टू. टोटल वर्क डन टोटल टाइम आएगा ई नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाइ. इसको क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइ, या एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइ. ये आएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, बोर्ड में आता होता है एवरेज पावर निकालो एलसीआर की.
ठीक, कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी एक्सप्रेशन गिवन है, मैं आपको एनसीईआरटी की बुक का तरीका बताता हूँ, तीन लाइनों में, चार लाइनों में इन्होंने इसको प्रूव किया है, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे मैंने एनसीईआरटी का पेज स्कैन किया हुआ है, चेक करो पेज नंबर, ये वाला 164, मैंने एनसीईआरटी का पेज जो है वही पेस्ट कर दिया, इसमें पेज नंबर 164 पे आओ। ठीक, सबसे पहले ये जो एनसीईआरटी की बुक है, जब वो एलसीआर डिस्कस करती है ना, एलसीआर ये सुन लो, एलसीआर के डिस्कशन में वो ये मानती है कि ये वी आर है, ये वी एल है, ये वी सी है, उसने एक्सप्रेशन किया हुआ है एज्यूमिंग वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो ये क्या बनेगा, वी सी माइनस वी एल, तो उसने पैरेललोग्राम नीचे बनाया है तो फाइव उसका नीचे आएगा, और ये करंट है, मतलब वो ये मानती है कि वोल्टेज पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाइव, या करंट आगे है वोल्टेज से बाय एंगल ऑफ फाइव। तो जैसे मान लो वोल्टेज की वैल्यू वी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी या इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक हो गया, तो ऐसे लिखा जाएगा, और एनसीईआरटी की बुक यहां पर वी नॉट नहीं लिखती, वी एम लिखती है, वी एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक ही बात है। अब पढ़े पेज नंबर 164 पे, तो क्या लिखा, सपोज वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये रहा, और हम किसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एवरेज पावर इन एलसीआर, तो ये एक्सप्रेशन दोनों क्लियर है। उसके बाद पावर की वैल्यू उसने इंस्टेंटेनियस क्या दी, वी इंटू आई, वी की वैल्यू पुट की वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई ऑफ एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि पावर इज वी एम इंटू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मैथ्स का फॉर्मूला है, टू से मल्टीप्लाई किया, इसे टू से इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, मैथ्स वाले लोग लगाते हैं, मेडिकल वाले सीधा याद करेंगे, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ है कॉस ऑफ फाइ माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक, स्टेप बीच के उड़ा दिए, बच्चा खुद ही कर लेगा, सी एन जो लगाना है टू साइन ए साइन बी, जैसे अभी मैं कर रहा था इन पूरे स्टेप्स दिखा रहा था, वो उड़ा ही दिए बीच में से, बस सीधा ही काम खत्म, तीन स्टेप में काम खत्म। उसने कहा अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर भी लेता हूँ जीरो से टी तक, इसमें टाइम आ रहा है, जिसमें टाइम आता है और इसकी इंटीग्रेशन जीरो से टी, आंसर क्या देगी, जीरो, तो आपके पास एवरेज पावर क्या बचेगी, इसकी वैल्यू ये बचेगी, ये देखो कॉस फाइव, तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। आपकी मर्जी, आपको ऐसे करना है या फिर मेरे मेथड से करना है, वो वाला मेथड ठीक था वैसे, पुराने वाला वो क्लियर था एकदम, इसमें याद करना पड़ेगा एक आध स्टेप, मैथ्स वाले तो कर ही लेंगे, मेडिकल वालों को दिक्कत होती है, जैसे मर्जी कर लें, समझ में आ रहा है यहाँ तो, एवरेज पावर आनी तो सेम ही है। इसी के साथ लास्ट ये जो दो केस डिस्कस किए गए हैं इसको एक बार प्लीज़ पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एवरेज जो वैल्यू आई वो वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव आई, और उसने इसके अंदर क्या किया, आई वी को पुट कर दिया आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वी इक्वल टू आई आर पुट कर सकते हैं, और एल सी आर में टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, जेड, तो आई आर एम एस इंटू जेड, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। तो आप चेक कर सकते हो एक फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 164 पे, इक्वेशन नंबर 7.38b, एवरेज पावर आई स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाइव, तो ये तो खुद ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वोल्टेज एंड करंट बट ऑल्सो ऑन द कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वो कह रहे हैं जो एवरेज पावर है वो सिर्फ वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती एलसीआर में, वो एंगल पे भी डिपेंड करेगी, कॉस ऑफ एंगल पे डिपेंड करेगी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पहला पॉइंट क्लियर है इसका। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है, द टर्म अंडरलाइन कर लो, कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म देख रहे हो कॉस फाइव, इसको क्या बोलते हैं,
पावर फैक्टर। फिर केस नंबर वन डिस्कस किया हुआ है क्या कि जिसको बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट, अंडरलाइन कर लो रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में एक बात बताओ, ओनली रेजिस्टेंस होती है और ओनली रेजिस्टेंस में फाई क्या होता है, जीरो। ई और आई में वोल्टेज तो जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ओनली रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर क्या होता है, वन। तो देखो लिखा हुआ है पावर फैक्टर इज वन। और ओनली रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं। केस नंबर टू में प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टर या कैपेसिटर में ईएमएफ और करंट में कितना एंगल का डिफरेंस होता था, पाई बाई टू, दोनों में पाई बाई टू। कॉस ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो पावर फैक्टर दोनों के केस में क्या होगा, जीरो। ठीक। और इसके अंदर केस नंबर टू की आखिरी लाइन कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर में एवरेज पावर जीरो है, तो ऐसे केस में जब करंट हम पास करते हैं तो एवरेज पावर जीरो आती है, तो जिस करंट को पास करके एवरेज पावर जीरो आती है उस करंट को नाम दिया गया है वॉटलेस करंट। दिस करंट इज नोन एज वॉटलेस करंट, और ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ वॉटलेस करंट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?